चाहिए कि ये देना दीदी हमारी नियुक्ति नहीं होती तो हम सभी बहनें आत्मदाह करेंगे। मैं माचिस भी रखी हूँ, मैं मिट्टी तेल भी रखी हूँ, मैं ना हम सभी बहनें एक साथ मरेंगे। तो भूपेश, 1000 महिलाओं को उठाने की तेरे पास व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं होंगे तेरे पास, कहाँ एडमिट करेगा तू? तो तू शमशान की व्यवस्था कर ले, 1000 महिलाओं की यहाँ से अर्थी निकलेगी, पुलिस अपनी इकट्ठा कर लेना तू कंधा देने के लिए, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब पति का सहारा था वो छूट गया, जो बच्चे हैं उनके पिता का सहारा था वो छूट गया, तो तू तैयार रहना इस अर्थी निकालने के लिए। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए समय समय पर जोर देती आई है। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। पूर्व की भाजपा सरकार हो या वर्तमान की भूपेश सरकार, दोनों ही अपने कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते आई है। पंचायत शिक्षकों की सैकड़ों विधवाओं का संघर्ष पिछले 5 साल से जारी है। पति थे तो घर चलाना आसान था, उनके जाने के बाद मानो परिवार में लाचारी छा गई। कौन सुने इनका दर्द, कहां जाए अपनी फरियाद लेकर। सालों गुजर गए दर्द सुनाते सुनाते, न तो सरकार सुन रही है न सरकार के नुमाइंदे। पति के गुजर जाने का दंश झेल रही दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवाएं अपनी एक सूत्री मांग यानी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई वर्षों से सरकार से मांग कर रही हैं। 2018 से लेकर अब तक कई पालियों में महीनों से ज्यादा धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। 2018 में इन महिलाओं द्वारा पहली बार धरना दिया गया था। उस समय राज्य विधानसभा का चुनाव अपने शबाब पर था। तब के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही कुछ दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा, लेकिन 4 साल बीतने को है, सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे ये महिलाएँ आहत और परेशान हैं। पूछना चाहती हूँ कि आप प्रियंका गांधी यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहाँ की महिलाएं रोड पे बैठी हुई हैं अपने अधिकार के लिए, और वो भी एक अनुकंपा नियुक्ति के लिए। आज कौन सा विभाग है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना में बैठा है? हम लोगों को क्या सजा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी आप आइए और देखिए, महिलाएं भूखे मर रही हैं, महिलाओं को बच्चे पालने में कितनी तकलीफ हो रही है। जब आपकी सत्ता आई थी तो आपने तो कह दिया था कि हाँ जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी मैं तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा, लेकिन कहाँ गए आपके आंसू, कहाँ गए जब आप हमारे सामने रो रहे थे कि नहीं ये संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है तो यहाँ संवेदनाएं दिखाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे मेरे बच्चे आए हुए हैं, किस तरह से ठंडी, यहाँ ठंड का जूता पॉलिश, हवन, पूजा पाठ, यहाँ तक आत्मदाह की कोशिश हुई, इन सब के बावजूद इनकी मांग अनसुनी की अनसुनी ही है। Oh, my God.
यार, मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। अब हम लोग आत्मदाह करेंगे, अभी तो आप लोग रोक लिए हो, लेकिन ना हम लोग करेंगे कायरों की मौत, नहीं मरेंगे। अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती तो हम सभी बहनें आत्मदाह करेंगे ही। मैं माचिस भी रखी हूँ, मैं मिट्टी तेल भी रखी हूँ, मैं ना हम सभी बहनें एक साथ मरेंगे। हम सभी का दुख ना एक ही है। क्यों बहनें आत्मदाह करोगे? करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के सामने, उसके घर के सामने, बंगले के सामने करेंगे। करेंगे, बार बार मरने के बजाय एक ही बार मरेंगे। दिसंबर 2021 में धरना प्रदर्शन के दौरान दो महिलाओं ने आत्मदाह करने की कोशिश की। इन महिलाओं के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका मिश्रा आई, आमरण अनशन पर बैठ गईं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? क्योंकि सरकार आज बहन बेटियों का शोषण करने में महिलाओं को आगे लाती। ये देखिए कितनी बहनों को यहाँ से वहां तक खड़ा कर दिया गया। दम था तो मिल लेता, कौन सा हम उसे मार देते। मिल बात ही तो करना था। राजनीति में संवाद ही एक रास्ता है, संवाद ही तो करने जा रहे हैं, क्यों नहीं करने दिया? आज सीएम की जो अर्थी उठी है, ये इतिहास बनेगा कि महिलाओं ने छत्तीसगढ़ के मुखिया की अर्थी उठाकर ये साबित कर दिया कि पुरुषार्थ नहीं है उस मुख्यमंत्री में, पुरुष होकर के भी पुरुषार्थ नहीं है, महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं का शोषण कर रहा है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, उसने महिलाओं को रास्ते में रोक लिया। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक जीत ना जाए, जब तक नियुक्ति पत्र इन बहनों को नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई जंगे जारी रहेगी। अगर कोई दल बल के तहत मुझे उठाकर अगर बीमार हो रही हूँ तो उसको अस्पताल में एडमिट करेगा, तो यहाँ हजार महिलाएं हैं। तो भूपेश, हजार महिलाओं को उठाने की तेरे पास व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं होंगे तेरे पास, कहाँ एडमिट करेगा तू? तो तू शमशान की व्यवस्था कर ले, 1000 महिलाओं की यहाँ से अर्थी निकलेगी। पुलिस अपनी इकट्ठा कर लेना तू कंधा देने के लिए, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब पति का सहारा था वो छूट गया, जो बच्चे हैं उनके पिता का सहारा था वो छूट गया। तो तू तैयार रहना इस अर्थी निकालने के लिए। भारत माता की जय। यही आप पता करेंगे सर, यही जो करना है कर लो। बैठो, पानी दे, पानी पानी वो कहते हैं ना, निश्चित है तो तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। इस दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती दोस्तों, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। कुछ इसी तरह का हाल इन महिलाओं का है। निकट भविष्य की चिंता है, पापी पेट का सवाल है, थक गए हैं साहब पीड़ा बताते बताते, इनकी दर्द की दवाई सिर्फ सरकार के पास है। इसी बीच सरकार ने पहल करते हुए आनन फानन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसे एक महीने के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन कई महीने बीतने को है, अभी तक रिपोर्ट का आता पता ही नहीं। धरने पर बैठी विधवाओं को असामाजिक तत्वों ने कार से कुचलने की कोशिश की, बावजूद इसके वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तो
रिकॉर्ड है वीडियो में। बारह महीने के धरना प्रदर्शन के बाद कोरोना की तीसरी लहर ने एक बार फिर प्रदेश को लॉकडाउन में बांध दिया। तब राज्य सरकार ने लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी, धरना प्रदर्शन आंदोलन को स्थगित करने का आदेश दे दिया। सर, हम लोग स्थगित कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का जो आदेश आया है उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। शासन के विरुद्ध हम नहीं जा सकते और हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर हो सका तो हम अपनी लड़ाई को आगे कहीं भी लड़ सकते हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शासन से मैं निवेदन करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि अभी आपको वक्त मिल रहा है, हम लोगों के लिए समय मिल रहा है, तो आप ये कोरोना काल में हम लोगों के लिए जल्द से जल्द निराकरण करें और योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने LB सविलियन के बाद वालों के लिए कोरोना काल में अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करा था, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिबंध नहीं होता, तो हम लोगों के लिए भी आपको अभी हम समय दे रहे हैं, आप जल्द से जल्द हमारा निराकरण करके आदेश जारी करें। एक बार फिर 14 अक्टूबर से धरने पर बैठी ये महिलाएं योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। अब तक कई बार मंत्री और विभाग को आवेदन दे चुकी है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, धरना प्रदर्शन, हवन पूजा पाठ करके देख चुकी है, लेकिन अब तक इनकी मांग सिर्फ मांग ही बनी हुई है। 20 अक्टूबर से बैठे हुए हैं सर, हम लोगों का त्यौहार भी यहीं पर काला दिवस मनाया हमने दिवाली में, और 20 अक्टूबर से हम लोग बैठे हुए हैं। 24 अक्टूबर से अनशन शुरू हो गया है महिलाओं का, क्योंकि हमारी एक सूत्री अनुकंपा नियुक्ति जायज मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। पहले भी हमने आंदोलन किया 58 दिन में एक कमेटी गठित हुई थी, उसका रिपोर्ट 3 महीने में देने वाले थे, लेकिन आज 3 महीने की जगह आज 13 महीने हो गए। हमारे कमेटी का ना निर्णय हुआ है, ना हमारे हित में ना निराकरण हुआ है, फिर से हम 20 अक्टूबर पर यहाँ बैठ चुके हैं। इन सब के बीच नेताओं की बयानबाजी शुरू है, सरकार अपना बचाव कर रही है, तो वहीं विपक्ष अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर भूपेश सरकार पर हमलावर है। का उमनला ये नहीं मालूम कि प्रदेश के जनता उमनला मुख्यमंत्री बना है? जब तुमन महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा के बच्चेला उदय मुदलियार के नोनीला उमनला कैबिनेट में बैठक करके फैसला ले सकत हो कि इमनला डिप्टी कलेक्टर बनाया जाही, इमनला डिप्टी SP बनाया जाही, उमन की कौन क्या क्वालिफिकेशन रही से वो नहीं देख रहे। तो जब उमन पर कैबिनेट बैठ सकत है, नियम कानून तोड़ के नियुक्ति दे सकत है, तो 3 साल हो गए हमार शिक्षक कर्मी भाई मन जोन कोरोना में शहीद हो रही, उमन के जो विधवा है लगातार संघर्ष करा थे, और मुख्यमंत्री बोला थे कि कानून मोर आड़े हाथ आते, मोर इच्छा है लेकिन मैं नहीं कर सका। ये गलत बात है, ये लबारी गोट है। मुख्यमंत्री माँ अगर उमन के छाती माँ पत्थरा के जगह दिल है, तो तत्काल कैबिनेट की बैठक बुला के और जतका हमार शिक्षक कर्मी शिक्षक मन रहीन है जो कोरोना में शहीद हुई, उमन के परिवार ला अनुकंपा नियुक्ति तत्काल देना चाहिए। मैं कानून के जानकार हूँ, विधायक रहे हूँ, वकील घलो हवा, मैं उमन ला बताना चाहता हूँ कि तुमन करा कैबिनेट करा ये पावर है कि तुमन जोन चाहो नियुक्ति दे सकते। ये सरकार गुंगी है, बहरी है, इसको ना खुनाई देता है, इसको ना दिखाई देता है, और उनसे बुलाकर बात कर उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए।
जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा की है और ऐसे सेवा करने वाली विधवाओं के साथ में जिस प्रकार से सरकार बर्ताव कर रही है, क्योंकि बिल्कुल भी उचित नहीं है और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। नियम के अनुसार अगर वो अनुकंपा नियुक्ति मांग रही होंगी तो जरूर स्थान जगह होगा तो शासन उनको अनुकंपा नियुक्ति देगी, और नियम के विरुद्ध अगर बैठे होंगे तो उसमें कोई कुछ बात ही नहीं। 3 महीने पहले कमेटी बनाया गया था उन लोगों की मांगों को जायज मानते हुए, लेकिन 1 महीने कमेटी बनाने के बाद भी उसका रिपोर्ट सौंपा नहीं गया शासन ने। रिपोर्ट अब समिति जांच करके कंप्लीट नहीं किए होंगे, अगर समिति बनाई है तो जरूर वो समिति में जो बात आई होगी। समय लगता है थोड़ा सा, इस तरह के पुरानी मामला रहने से तो समय लगता है, हो सकता है अभी कमेटी निर्णय नहीं। राज्य सरकार के अधिकार का है और चुनौती का है। जब शिक्षा कर्मी को 500 रुपया में नियुक्ति दी गई थी 1998 में, उस समय से लेकर आज तक शिक्षा कर्मी रेगुलर हो चुके हैं और आज शिक्षा कर्मी के परिजनों को अधिकार है कि जब वो रेगुलर हो चुके हैं तो शिक्षा कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। जब उनको आपने कर्मचारी मान लिया है तो उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से अपने जायज मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसको किया जाना चाहिए। हर रोज तिल तिल कर मर रही इन महिलाओं का धैर्य अब टूटता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं ने तालाब में छलांग भी लगा दी, जैसे तैसे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला। हम विधवा महिलाएं अपनी मांग को लेकर बूढ़ा तालाब से जल सत्याग्रह के लिए निकले थे और बहुत सी महिलाएं जिन्होंने जल में कूदने की कोशिश भी की थी लेकिन उनको बचा लिया गया। हम लोग अपनी एक सूत्री संवेदनशील मामले को लेकर हर तरह से ध्यान आकर्षण के लिए मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो संवेदनशील मामला है, अनुकंपा नियुक्ति का मामला है, वो 24 तारीख की कैबिनेट में रखा जाए। इन महिलाओं के सामने रोजगार का संकट है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, जीवन मरण के प्रश्न में उलझी इन विधवाओं की आखिरी उम्मीद 24 नवंबर को होने वाले कैबिनेट मीटिंग पर थी, पर उसमें भी निराशा हाथ लगी क्योंकि सरकार ने उस मीटिंग में अनुकंपा नियुक्ति के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की। अब हर तरफ से परेशान हो चुकी इन महिलाओं ने सरकार को खुली चुनौती दी है कि यदि इनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले 3 दिसंबर को वे सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार भूपेश सरकार इन महिलाओं के हित में कुछ पहल करती है या नहीं, या ये महिलाएं सामूहिक आत्मदाह को अपना अंतिम सहारा मानती हैं, यह 3 दिसंबर को पता चलेगा। आप देख रहे थे द न्यू रे न्यूज, उम्मीद की नई किरण।